हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जनधन योजना में अगर आपका जीरो खाता है तो आप निकाल सकते हैं 10,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक में पैसे नहीं होने पर भी आप इस योजना से 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना में आप कैसे 10,000 रुपये निकालेंगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, एंड तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पास आया नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। और दोस्तों नीचे आकर आपको कमेंट में लिख देना आपका जनधन खाता है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जनधन योजना में से कर सकते हैं 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट। लॉकडाउन में है, आर्थिक तंगी तो मिलेगी आर्थिक मदद। जी हाँ दोस्तों, जनधन खाते में यदि आप ओवरड्राफ्ट करते हैं तो उस पर सभी बैंकों की दरें अलग अलग हैं जो सालाना 12 से 20 फीसदी तक है। जी हाँ दोस्तों, यदि इसे मासिक तौर पर तब्दील करके देखें तो ये ब्याज 1% से 1.75% के करीब ही बैठता है, तो जो बहुत अधिक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने देश भर में लॉकडाउन की म्याद को है। जी हाँ दोस्तों, म्याद बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए चलते करोड़ों लोगों के सामने नौकरी जाने फिर सैलरी कट का संकट और गहरा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति में यदि आपके पास जनधन खाता है तो आपको इसके तहत बड़ी रकम मिल सकती है। जनधन खाते के अकाउंट होल्डर को सरकार से 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जा सकती है जिससे कभी भी निकाला जा सकता है। भले ही ये रकम बहुत बड़ी नहीं है लेकिन ज़रूरत के वक्त आपके ये बेहद अहम और कामगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों निकाल सकते हैं 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, जनधन खाते में यदि आप कभी ओवरड्राफ्ट करते हैं तो उस पर सभी बैंकों की दरें अलग अलग हैं जो सालाना 12 से 20% तक हैं। यदि इसे मासिक तौर पर तब्दील करके देखो तो ये ब्याज 1% से 1.75% के करीब बैठता है, जो बहुत ज़्यादा नहीं। यदि नहीं यही नहीं, यदि आप इस स्कीम के तहत खुले खाते में 2,000 रुपये तक की राशि निकालते हैं तो कोई ब्याज नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, परिवार में एक खाते पर मिलती है ये सुविधा। सरकार ने जनधन योजना के तहत खोले 20.6 करोड़ महिलाओं के खातों में 500 रुपये भेजे थे। जी हाँ दोस्तों, ये म्याद सिर्फ महिलाओं के खातों में ही थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ किसी भी अकाउंट में लिया जा सकता है। हालांकि ये बात ध्यान में रखते हुए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी परिवार में किसी एक खाते पर ही ली जा सकती है। तो दोस्तों जीरो बैलेंस पर खुलवा सकते हैं अकाउंट। इस स्कीम के तहत खातेदारकों को जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा रुपये डेबिट कार्ड की भी दिया जाता है। इस खाते में मिनिमम बैलेंस का कोई नियम नहीं होता है। किसी भी बैंक शाखा से इस अकाउंट को जीरो बैलेंस पर खुलवाया जा सकता है। 2014 में मोदी सरकार ने इस स्कीम का ऐलान किया था। सरकार का मकसद इन खातों के जरिए देश के गरीब तबके के लोगों तक सरकारी मदद की बिना किसी रुकावट और भ्रष्टाचार के पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों, पहुंचना रहा है। तो दोस्तों ये खाते इसलिए खुलवाए ताकि सभी गरीबों को डायरेक्ट ही मदद मिल सके। यानी कोई भी योजना अगर जनधन खाते में जाए तो डायरेक्ट ही जनधन खाते यानी गरीब लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर आप इस योजना में का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका अगर जनधन योजना में जीरो बैलेंस से खाता खुला हुआ है तो आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं ओवरड्राफ्ट की लिमिट पे। तो दोस्तों अगर आपका लेन देन अच्छा है तो आप ये योजना का लाभ ले सकते हैं, 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं अपने जनधन खाते से। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत